आपको आज बताते हैं कंपास के बारे में। ये हमारे पास एक कंपास है, कंपास या इसको हिंदी में बोलेंगे दिशा सूचक यंत्र। इसमें ये जो सुई दिख रही है आपको, देख सकते हैं ये रेड कलर एक तरफ लगा हुआ है और इस पर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लिखा हुआ है। और एक ये और कंपास है दूसरा इस तरह का, ये इस तरह से, ये भी एक कंपास है। इसमें भी जो रेड है ये नॉर्थ को दर्शाता है। और इसको रखने का सही तरीका, जब हम इसको ऐसे रख देंगे तो ये जो हमारी सुई है रेड वाली ये नॉर्थ की तरफ रुकेगी। तो और इसके साथ हम इसको घुमा लेंगे, तो अब ये यहाँ का जो सही नाप है वो ये रेड बताएगा। तो रेड ये नॉर्थ पर है, इसका मतलब नॉर्थ की दिशा इधर है। और अब दूसरे कंपास की बात करते हैं। इस कंपास को जब हम रख लेंगे देखिए, ये इस पे लिखा हुआ है नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। तो ये जो कंपास है ये जो रेड सिरा है इधर है, तो हम इसको घुमा करके ऐसे कर लेंगे धीरे धीरे और ये नॉर्थ की तरफ हो जाएगा। तो अब इसका मतलब है कि हमारे जो नॉर्थ है नॉर्थ की दिशा इधर है, ठीक है, जहाँ पर इस सुई हिलना बंद हो जाएगी वहाँ पर, तब ये नॉर्थ है। और अब जानेंगे कि हम किसी भी प्लाट का या घर का मिडिल यानी कि मिड सेंटर पॉइंट कैसे निकालते हैं। तो हम इसको साइड में रख देते हैं और देखते हैं। तो अगर हम ये स्केल ले लेंगे एक, और अगर हमारे प्लाट का नाप आयताकार प्लाट है तो इस तरह से हम एक लाइन खींच लेंगे उसके नाप के बराबर। मान लीजिए 15 फीट है तो हम यहाँ पर 15 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे। ये हो गया 15 फीट हमने लिख लिया यहाँ पे, और इसकी लंबाई मान लीजिए है 20 फीट। तो हम एक और लाइन 20 सेंटीमीटर की खींच लेंगे, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 फिट, तो यहाँ लिख दिया हमने 20 फिट। और फिर एक और लाइन इधर खींच लेंगे दूसरी तरफ, और एक लाइन ऐसे खींच लेंगे जो कि 15 सेंटीमीटर की फिर से है। तो हमारे पास अब 4 लाइन हो गई हैं, ये 15 सेंटीमीटर और ये 20 सेंटीमीटर की 20 फिट। ओके, तो अब हमें इसका सेंटर ज्ञात करना है। तो सेंटर कैसे निकालेंगे हम इसके, ये इस कोने को हमने ए मान लिया, इसको बी, और ये सी मान लिया, इसको डी मान लिया। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से एक पैमाना रखेंगे ऐसे, यहाँ से एक लाइन ऐसे खींच लेंगे, ए से सी को मिला देंगे और डी से बी को मिला देंगे। अभी हमारे पास ये लाइन ऐसे खींच गई है, ये लाइन ऐसे खींच गई, तो यहाँ पे बीच पे एक जगह हमें मिल गई है, एक पॉइंट मिल गया है ऐसे। तो ये पॉइंट हमने ई मान लिया इसको, ओके। अभी हमारा प्लॉट ऐसे है
और अब हमें नॉर्थ की दिशा ज्ञात करनी है, तो हम इस कंपास को इसके बीच में रख देंगे ऐसे। और जहाँ पर भी इस कंपास के रुकने का इंतज़ार करेंगे, ये सुई रुक गई है, अब ये सुई रुक गई, तो हम इस कंपास को घुमा करके नॉर्थ जो रेड कलर से लिखा है वो रेड कलर की सुई के पास कर लेंगे ऐसे। तो अब ये जो नॉर्थ की दिशा है, ये जगह नॉर्थ है, यानी कि जिधर ये सुई जा रही है वही जगह आपके घर में नॉर्थ है। तो ये चाहे ऐसे हो सकता है, इस कोने में भी नॉर्थ हो सकता है, और अगर ये हमारा प्लाट इसकी जगह ऐसा है या घर इस तरीके से है तब भी, तो अब ये जो नॉर्थ की दिशा चेंज हो जाएगी, यहाँ पर हम फिर से इसे घुमा लेंगे सुई को, और अब ये नॉर्थ इस तरफ बताने लगेगा। ये जो ब्लैक डॉट है ये बीच में रहना चाहिए, तो अब ये नॉर्थ यहाँ दर्शाएगा ऐसे, ये नॉर्थ हो गया। जब ये नॉर्थ आ गया तो हमारे पास इधर वेस्ट हो गया, और ये हो गया ईस्ट, और ये हो गया साउथ। इस तरह से हमें चारों दिशाएं निकाल लेंगे। ओके, क्लियर। और अगर इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट करिए, आपके कमेंट में जवाब दिए जाएंगे, या फिर जिस तरह का और वीडियो आपको चाहिए तो उस तरह का वीडियो बना के दोबारा फिर आपको दिया जाएगा। इन्हीं से हम चारों दिशाएं जान पाएंगे। तो ये जो दिशा, अभी हमारे पास एक दिशा प्राप्त हो गई यहाँ से यहाँ, तो ये हमारे पास हो गया 90 डिग्री का एक कोण, और फिर ये 90 डिग्री, और इस तरह से ये भी 90 डिग्री, और ये भी एक 90 डिग्री, ये 90 डिग्री के कोण हो गए। इन दिशाओं के बीच में दूसरी दिशाएं भी होती हैं, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट कहलाती है दिशा। तो इस तरह से आप सेंटर ज्ञात कर सकते हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।